बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद जिगर जी। पीयूष जी, कीमती समय निकाला है, मुझे पता है बहुत कार्रवाई चल रही है। सो सीधा सवाल, अभी जो हर घर में चर्चा चल रही है कि जो चीन में स्थिति है कोविड की, इस बारी 3 साल बाद ना हमें मास्क की, ना टेस्टिंग की, ना वैक्सीन की, ना सैनिटाइजर की किसी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या तैयारियां कर रहे हैं कि किसी चीज की यहां पर मंदी ना पड़े? धन्यवाद भाई साहब, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मंच तो अब और ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, मुझे लगता है पिछली बार से भी ज्यादा इस बार प्रतिसाय मिला है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। कोविड जिस प्रकार से चाइना में बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है, और कई अन्य देश हैं उस इलाके में, कोरिया, जापान, कई जगह से अलग अलग खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस विषय की चिंता की। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई लगातार नियंत्रण कर रहे हैं स्थिति का, और ये दर्शाता है माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोएक्टिव अप्रोच। वो समस्या को पनपने नहीं देते, लंबा नहीं खींचने देते, अगर दिखता है कि शायद संभावना है। वैसे तो हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारा वैक्सीन, भारत का बनाया हुआ वैक्सीन बड़ा ताकतमंद है, और कई प्रकार के वेरिएंट्स को वो संभाल लेते हैं। इसके कारण भारत में हमारे पास एक बहुत मजबूत रक्षा कवच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लगभग कोने कोने तक पहुंचाया, मुफ्त में पहुंचाया, सभी को दिलवाया। लेकिन एक प्रिकॉशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। उस दृष्टिकोण से पूरी सरकार में, राज्य सरकारों में, सब में ये चेतावनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है कि हम सब चौकन्ने रहें, स्थितियों का लगातार मॉनिटर करते रहें, और कभी भी कोई विषय पे चीज़ें हद से बाहर ना चली जाए। उसके लिए जो उनका प्रोएक्टिव अप्रोच करने का ढंग है, कपल्ड विद जो जो हमने मेजर्स लिए पिछले 3 वर्षों में, जो जो अलग अलग प्रकार के सुविधाएं क्रिएट की, स्वास्थ्य सुविधाएं देश भर में बढ़ाई, अस्पताल बढ़ाए, आईसीयू बेड बढ़ाया, ऑक्सीजन के प्लांट्स, हर ऐसा अस्पताल जहां 50 बेड से ज़्यादा है उनको अपने स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट लगवा के दिया, इतने सारे जो काम हुए हैं उन सबको एक प्रकार से ऑयल कर दिया है वापस, सो दैट हमारी तैयारी रहे, देश की तैयारी रहे। सर, क्योंकि क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, बहुत लोगों ने प्लान किया है ट्रैवल करने का, हॉलीडेज पे जाने का। अब चाइना के जो विजुअल्स सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं वो डर रहे हैं, कह रहे हैं क्या करना चाहिए। फ्लाइट्स जो आ रही हैं, जो केसेस अभी सामने आए चाइना के, डर रहे हैं, तो उस पर कि लोग डरे ना, एहतियात रखें, उस पर आपका वक्तव्य? मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें अगर इसमें हम सब ने की, और इसमें आपके भी चैनल से मेरा अनुरोध रहेगा न्यूज़ मीडिया हाउस से, कि एक तो जो लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिया था, अब वो अस्पताल में जाके अपना प्रिकॉशनरी डोज लें। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मौके दिए, पीछे भी 75 दिन तक मुफ्त में प्रिकॉशनरी डोज की पूरी मुहिम चलाई, और मुझे लगता है करोड़ों लोगों ने उस समय भी प्रिकॉशनरी डोज मुफ्त में लिया। लेकिन अगर अभी भी कोई रह गया है तो हम सब एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि लोग अभी भी अपना प्रिकॉशनरी डोज अस्पताल में जाके लगवाएं। दूसरी बात, जितना हम, आखिर कोविड के प्रिकॉशंस तो हम सभी जानते हैं, अच्छी हाइजीन रखना, हाथ वगैरह, मुंह हाथ धोते रहना, मास्क पहन के रखना, आपके चैनल की वजह से अभी इंटरव्यू की वजह से नहीं पहनना, लेकिन अब हमने तो पहनना शुरू कर दिया है मास्क, और थोड़ी असुविधा लगती होगी, हमको आदत पड़ गई है, अभी निकल गए हैं मास्क वगैरह से, लेकिन छोटे मोटे प्रिकॉशंस लेने से मैं समझता हूँ कि सुविधा रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स आ रही हैं या जो ट्रैवल हो रहा है उस पर सोची समझी मेडिकल एडवाइस के ऊपर निर्णय लिए जाएंगे समय समय पे। पर जैसा कि पूरे कोविड के दौरान आपने देखा,
सरकार ना तो कोई डिसीजन बिना गहराई से उसके संबंध में पूरी सूचनाओं के बगैर लेती है, और नॉर्मली जो मेडिकल एडवाइस होती है मेडिकल प्रोफेशनल्स की, उसके हिसाब से हम निर्णय। पीयूष जी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत राष्ट्रीय सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय, इसमें कोई कमी ना हो, इसके लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं हम? भाई साहब, विश्व भर जो कोविड का क्राइसिस रहा, आप याद करेंगे उस दौरान भी भारत एक ब्राइट स्पॉट रहा, एक प्रकार से भिन्न रहा बाकी देशों से। हमने कई चीजें प्रोएक्टिवली अल्टरनेट सोर्सेज खड़े कर दिए थे, जब पहले भी लॉकडाउन और अलग अलग प्रकार की समस्याएं हमारे पड़ोसी देशों में आई थी, और कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। अब दुनिया में फर्टिलाइजर की काफी कमी है, लेकिन भारत ने प्रोएक्टिव स्टेप्स पहले से लेने के कारण अब काफी बड़ी पैमाने पे हमने अपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स को रिजुवनेट करके रखा है, जिसके कारण आपने देखा होगा अभी जो पैडी की प्रोक्योरमेंट चल रही है वो पिछले साल से भी अधिक पैडी प्रोक्योर हो रहा है। आज के पेपर में था कि वीट गेहूं की भी बुआई पिछले साल से ज्यादा हुई है। तो मैं समझता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जिसने हर फ्रंट पे अपनी तैयारियां रखी हैं, अल्टरनेट सप्लाई चेन्स में सोर्सेज क्रिएट करके रखे हैं। जरूर समस्या में गंभीरता आ सकती है, और उसके लिए ही हम सबको भी चौकन्ने रहना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम पूरे समय इस चीज पे निगरानी रखे हुए हैं कि कोई भी एसेंशियल प्रोडक्ट भारत में कमी ना पड़ पाए। सर, भारत सरकार में अहम जिम्मेदारी मंत्रालय है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी सदन की भी है सर आपके पास। सदन में इस बार कई चीजें ऐसी थी जिसपे कन्फ्रंट हुआ और ठीक ठाक हुआ। अगर शुरुआत से कहें तो राजनाथ जी ने चीन पर दोनों ही सदन में अपना वक्तव्य दिया, लेकिन विपक्ष सहमत नहीं था। उसने कहा साहब चर्चा कराइए, आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, हम चर्चा चाहते हैं चीन पर। इसमें चर्चा से भागने का कोई विषय नहीं है। आपको ध्यान होगा माननीय उपसभापति जी हरिवंश जी ने अपनी जब रूलिंग दी जी, कि माननीय राजनाथ जी के बयान के बाद क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं पूछना चाहिए, उन्होंने चार अलग अलग ऐसे इंस्टेंसेस बताए जिसमें उन्होंने सामने रखा कि यूपीए जब सरकार में थी और हम विपक्ष में थे, चार ऐसे अलग अलग मौके आए उस 10 वर्षों में जब कोई गंभीर स्थिति निर्माण हुई जिसपे वर्तमान उस समय की कांग्रेस की सरकार ने अनुरोध किया, फैसला सुनाया, तब के वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ने फैसला दिया कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, सुरक्षा से संबंधित मामला है, हमारे सेना बलों के मनोबल को ठीक रखने का मामला है, और इसमें एक सिक्योरिटी डायमेंशन ऐसा है कि जो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिकली नहीं चर्चा की जाती। तो ऐसे चार समय अलग अलग ऐसा मौका आया, तब हमने जरा भी कोई सरकार का हाथ फोर्स नहीं किया, वी डिडंट फोर्स देयर हैंड कि इस पर तो चर्चा होगी या इस पर तो क्लैरिफिकेशन होगा ही। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, और हमने जब विपक्ष में थे तब भी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, और अब सरकार में है तब भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो उसमें हम ऐसे क्योंकि एक विपक्षीय नेता या क्योंकि कुछ विपक्षीय सांसद को चर्चा चाहिए उसके कारण ही सिर्फ चर्चा नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय कभी नहीं बन सकती। बट आज पार्लियामेंट सत्र अब जैसे अब समाप्त होने जा रहा है, पीयूष जी, अभी भारत की आर्थिक स्थिति ठीक है, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, 7% की तरफ पहुंच गई है, इन्फ्लेशन रेट काबू में है, फॉरेक्स रिजर्व्स बड़े अच्छे हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपको पता है विश्व में मंदी शुरू हो गई है, इन्फ्लेशन शुरू हो गई है। इंडिया इज़ नॉट एन आइलैंड सर, इसके लिए हमारे रिस्क फैक्टर क्या हैं और उसको अमेलियोरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से आपने एकदम सही बात कही कि भारत कोई दुनिया से अलग थलग नहीं पड़ सकता, जो विश्व की स्थिति है उसी में भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था को
तैयार भी करना है और उसी में हमें अपने आयात निर्यात इन सब चीजों की भी चिंता करनी है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क भारत और दूसरे देशों में यह है कि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है। 140 करोड़ लोग जो भारत में रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। साथ ही साथ आज हमारे युवा युवती जिस प्रकार से नए नए खोज लेके आते हैं, नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, जिस प्रकार से आज हमारे युवा युवतियों ने डिजिटलाइजेशन को एडॉप्ट किया है, उदाहरण के लिए इंटरनेट के साथ जुड़ गए हैं, आज 800 मिलियन यानी 80 करोड़ से अधिक लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। टेलीविजन लगभग सभी के घरों में पहुंच गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर घर तक, देश के कोने कोने तक 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया। ऐसी परिस्थिति में आज टीवी पर, इंटरनेट पे देश की सामान्य आदमी भी दिखता है कि दुनिया कितने आगे चली गई। उससे एक उत्साह बना है, उससे एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि हमको भी इन सब चीजों की, हमारे घर में भी जरूरत है, हमें भी इन सब चीजों की डिमांड है। तो इससे जो भारत की इंटरनल डिमांड जनरेट हो रही है और जो मार्केट ग्रो कर रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज वी स्पीक फॉर अ वेरी लार्ज इकोनॉमी इन अ वेरी लार्ज कंट्री, एंड आप यू होपफुल ऐसे ही रहेगा? स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को देखते हुए हमें कभी ना कभी थोड़ा बहुत कैलिब्रेट करना पड़ सकता है, पर जितना हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा उससे ज्यादा दूसरे देशों को करना पड़ेगा। आखिर आप देखिए, जिन देशों में 1-1.5% महंगाई होती थी, आज वहां 10-11% महंगाई। कहते हैं कि बिजली के बिल तो 2 गुना और 3 गुना हो गए। ऐसी परिस्थिति में आप भारत में देखिए, हमारे यहाँ पे कोई ऐसे रनवे इन्फ्लेशन नहीं है। यहाँ तो ये स्थिति है कि पहले तो कांग्रेस के टाइम पे 10-12% महंगाई को लोग आम मानते थे, जब 10-12% महंगाई पे भी कभी हल्ला नहीं मचता था। लेकिन मोदी जी आने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से प्रहार किया महंगाई पे, और गत 8-8.5 वर्षों की अगर आप औसतम देखें तो महंगाई की दर 4.5% के आसपास रही है पूरे इस हमारे कार्यकाल में। उससे एक प्रकार से लोगों में एक विश्वास भी बना है और आदत भी पड़ गई है कि कम महंगाई रहनी चाहिए। उसमें आज की जो 5.9% महंगाई है वो भी आज थोड़ी बहुत पिंच करती है, और ये अच्छा साइन है। ये इससे संभव हो पाया है कि मोदी जी ने जो 4.5% पे महंगाई को लाके काबू रखा, उससे एक देश की जनता में एक विश्वास बैठ गया कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और उस विश्वास के कारण आज ये भी लोगों में अपेक्षा है कि ये और भी कम हो जाएगी, और मेरा विश्वास है जो अलग अलग स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उससे महंगाई नियंत्रण में रहेगी, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जाएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा, लेकिन हम विश्व की 2-3 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें तेज गति से हमारा भी बढ़त चलती रहेगी, और आगे चल के अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अगले 3-4 साल में हम शायद विश्व की 3 साल के बाद 4थी, और 4 साल के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए करार पर है। सर, आजकल आप देखिए राजनीति में जो एक मर्यादा होती थी भाषा की, वो निरंतर नीचे जा रही है। पहले ऐसा होता था कि जब चुनाव होता था तो चुनाव के इर्द गिर्द हॉट टॉक्स होते थे, बयान होते थे, लेकिन चुनाव के बाद नहीं होता था। लेकिन अब ये एक ट्रेंड है, आप देखिए, मैं कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी कोट नहीं करूंगा, कि आप हर 4थे दिन एक ऐसा बयान आता है जिसको लगता है कि साहब इतने सीनियर लोग क्या ये बयान दे सकते हैं, तो ये कैसे और कहां तक जाएगी ये मर्यादा? से थोड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है कि राजनीतिक स्तर जिस प्रकार से एक जमाने में बड़े बड़े नेताओं के बीच में वार्तालाप चलती रहती थी, जिस प्रकार से हर विषय का समाधान हम मिल बैठ के निकाल सकते थे, वो स्थिति आज कमजोर होते जा रही है। आपने हाल में ही देखा होगा, कल माननीय सभापति महोदय जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने हाउस में
कहा कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दोनों उनको उनके चैम्बर में मिलने आए। जैसे ही उन्होंने ये आदेश दिया, मैं समझता हूं हमारे लिए तो एकदम इट इज द लास्ट वर्ड। चेयर का आदेश है कि हमें उनके चैम्बर में जाना है, हम तो उल्टे पांव दौड़ के जाएं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने वहीं पे उसी समय चेयर पे अपने कह दिया कि हम नहीं आएंगे। अब ऐसा चेयर के साथ इंसल्ट करना, तो एटलीस्ट मेरे जैसे मतलब मेरी उम्र नेता प्रतिपक्ष से बहुत कम है, लेकिन मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा स्थिति नहीं देखी कि चेयर के आदेश, और ऐसा भी कोई आदेश नहीं था, आदेश यही था कि मेरे चैम्बर में आके चर्चा करिए मेरे साथ, उसका भी नहीं मानना था तो उसकी भी कोई शालीनता हो सकती, लेकिन अपने चेयर पे ही बैठे हुए या खड़े होके आप बोल दो कि हम नहीं आएंगे, वी रिफ्यूज टू कम एंड वी रिफ्यूज टू मीट यू टू द चेयर, ये तो जरा भी मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता है। हो, हम तो उम्मीद करेंगे कि आगे चल के और इन चीज़ों की रिपीट नहीं हो, लोग आपस में संबंध अच्छे रखें, साथ ही साथ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग और समझदारी भी रहनी चाहिए विपक्ष और रूलिंग पार्टी के बीच में। हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि हर विषय के ऊपर चर्चा हो, हर विषय के ऊपर बातचीत चलती रहे निरंतर, हाउस भी अच्छी तरीके से चले और ऑपोजिशन की चिंताओं पे भी गंभीरता से विषय को लिया जाए। लेकिन शायद जो नेता हाउस में ना भी हो और जिनके डायरेक्शंस पे कई चीजें की जाती हैं, उसके कारण भी जो वर्तमान नेतृत्व तो हाउस में रहता है उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितना उनको स्वावलंबन है वो निर्णय लेने में, वो भी एक थोड़ा प्रश्न चिन्ह कभी उठ जाए। पीयूष जी, तीन बड़ी पॉलिसी मैटर्स, एक जो PMGK स्कीम चल रही है, 80 करोड़ लोगों को हर महीना 5 किलो अन्न दिया जा रहा है, 3.5 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं, कोविड की स्थिति अभी पता नहीं है, सीरियस नहीं है लेकिन हो सकती है, क्या आप इसको जारी रखेंगे? आपका जो वन नेशन वन राशन कार्ड था उसकी स्थिति क्या है, और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आप ले आए हैं, इन सब थ्री मार्गदर्शक स्थितियों नीतियों की स्थिति क्या है सर? जो पहला विषय है वो तो कोविड के दौरान जो आर्थिक परेशानियों में लोग थे उसके हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा संवेदनशील अपना जो व्यक्तित्व है उसका परिचय देते हुए इस संकट की घड़ी में हमारे देश में किसको तकलीफ नहीं आए, इसलिए 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपए खर्च के हर महीने फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत जो 5 किलो मिल रहे थे उसके अतिरिक्त 5 किलो दिया, और अब तो चल रही है December 31st तक, उसकी अवधि December 31st तक है। वन नेशन वन राशन कार्ड एक प्रकार से एक ऐतिहासिक कदम रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिससे आज आपको कोई राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं है अपना राशन लेने जाए, या NFSA की एंटाइटलमेंट, खाद्य सुरक्षा की एंटाइटलमेंट लाभार्थी को चाहिए हो तो उनका अंगूठा ही उनका परिचय पत्र है, और आधार नंबर और अंगूठा मिलके राशन कार्ड बन जाता है। तो आप दुकान पे जाइए, अपना आधार नंबर दीजिए, अंगूठा लगाइए, तो सेंट्रल पोर्टल में पूरे 80 करोड़ लोगों का डेटाबेस अवेलेबल है, और हर व्यक्ति जो एक राशन कार्ड में है वो किधर भी देश में, आज 5 लाख दुकानें हैं, 5 लाख दुकानों में किधर भी जाके उनको जितना मिलना है अनाज उसका पूरा अंश या उसका छोटा अंश या टुकड़ों टुकड़ों में, जिसको कहते हैं एनी टाइम एनी वेयर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, वो जाके अपना अनाज ले सकते हैं। तो समझो कोई अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक परिवार को 35 किलो मिलना है, तो हो सकता है कोई लड़का कोटा में पढ़ रहा है तो वो वहाँ पे 10 किलो ले सकता है, कोई व्यक्ति घर में मुंबई में या दिल्ली में काम कर रहा है वो वहाँ पे अपना अनाज ले सकता है जितना उनको चाहिए, बाकी अनाज गांव में परिवार ले सकता है। अब ये सुविधा कि टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह पे और कोई भी दुकान से आप अपना राशन ले सकते हो, ये प्रवासी मजदूरों के लिए खास तौर पे, जो स्टूडेंट्स हैं बाहर जाके पढ़ते हैं, इन सब के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है।
इसका एक और एंगल है जिसपे शायद इतना लोगों ने गौर नहीं किया, पर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि मैं आपके चैनल को खासतौर पर रात को बहुत देखता हूँ और आपकी डिबेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है. ऑफकोर्स आपका फोकस बहुत ज़्यादा, व्यक्तिगत फोकस भी सिक्योरिटी और देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर रहता है, लेकिन आप ऑलवेज एक यूनिक चीज लेके आते हैं हर शो में. ऐसे ही मैं आपको एक यूनिक चीज वन नेशन वन राशन कार्ड की बता दूं. एक इलाके में चार दुकानें हैं फेयर प्राइस शॉप्स. अब पहले जमाने में क्या था, आप लिंक्ड थे एक दुकान के साथ, तो आपको उसी दुकान में जाना है, तो दुकानदार का आपके ऊपर वर्चस्व था. अब आपको अगर कोई दुकानदार ठीक से सेवा नहीं देता है, आपको कोई तकलीफ देता है, आपके वजन में कोई गलती करता है, आपके साथ व्यवहार नहीं अच्छा करते, कुछ भी करे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कल से उधर मत जाओ, दूसरी दुकान में चले जाओ, तीसरी में चले जाओ. इससे एक स्पर्धा खड़ी हो गई है, शहर के भीतर गांव के भीतर भी स्पर्धा हो गई, और उससे स्वाभाविक तौर से उपभोक्ता को सर्विस स्टैंडर्ड भी सुधर गया. तो वन राशन कार्ड वास्तव में टेक्नोलॉजी का सदुपयोग का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसके बहुआमी परिणाम और फायदे लाभार्थियों को मिल रहे हैं. और आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कही, जिसको हमने एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के साथ भी जोड़ा है. ये भी प्रधानमंत्री जी की एक यूनिक इनिशिएटिव थी. प्रधानमंत्री जी ने जब डेटा देखा कि एक्सपोर्ट कहां से होता है, तो उनके ध्यान में आया कि ऐसे सैकड़ों जिले हैं देश में जहां पे एक्सपोर्ट का नामो निशान नहीं है, निर्यात होता ही नहीं है, लोगों को जानकारियां भी नहीं है, लोगों को ध्यान भी नहीं है कि भाई त्रिपुरा में इतना बढ़िया पाइनएप्पल बनता है या लीची बनती है बिहार में, वो इतनी टेस्टी होती है कि उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बड़ी डिमांड है. और ऐसे कई चीजें देश में जिसको कहते हैं जेम्स, हमारे छुपे हुए विरासत है, जिसको अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचा दें तो उसकी बड़ी कीमत अच्छी मिलती है, बड़ा डिमांड होती है, और छोटे छोटे जिलाओं में रिमोट एरियाज में उससे लोगों की आमदनी बढ़ सकती है, किसानों की आमदनी बढ़ सकती है. तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट की उनकी जो पहचान की चीज है, जो उनकी स्पेशलिटी है, उसको आइडेंटिफाई करने पे हम सबको लगा. अब मुरादाबाद का ब्रासवेयर, आप दुनिया में किधर चले जाइए आपको मुरादाबाद का ब्रासवेयर मिलेगा, शान से लिखा होगा मेड इन इंडिया, पश्मीना शॉल कश्मीर की या कुल्लू की वुलन शॉल, ऐसे इतनी सारी देश में पैठनी साड़ी महाराष्ट्र से या कोल्हापुरी चप्पल जो महाराष्ट्र में चलती है, पटोला की साड़ी गुजरात से, कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु से, ये सब हमारे देश की जो विशेषताएं हैं, इसको हमने अब एक एक जिला स्तर पे आइडेंटिफाई किया, राज्य सरकारों के साथ मिलके एक एक्सपोर्ट का निर्यात का प्लान बनाया, अलग अलग तरीके से उस प्रोडक्ट को, उस जिला के प्रोडक्ट को कैसे हम प्रोत्साहन दे सकते हैं उस पर हम चिंता कर रहे हैं. केंद्र सरकार भी सोच रही है कैसे हम उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उस जिला को सपोर्ट कर सकते हैं. कन्वर्जेंस कर रहे हैं अलग अलग केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम्स का, जिससे उस जिला के उत्पाद को एक बल मिले, प्रोत्साहन मिले, और वो देश और दुनिया की सेवा कर सके और उस जिला के लोगों को अच्छा कमाई और लाभ हो सके. एक आखिरी बात मैं जरूर आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. आपको ध्यान होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी कि जब हम किधर जाते हैं, जब हम देश और दुनिया में भारत में घूमते हैं, किधर भी नई जगह पे जाते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ खर्चा होता है ट्रैवल में, आने जाने में, रहने में, क्यों ना हम एक प्रण लें कि हम जहां भी जाएं, जो हमारा खर्चा होता है पूरा विजिट में, उसका कम से कम 5% उस क्षेत्र में बनी हुई, उस क्षेत्र में उत्पाद करी हुई वस्तु को हम खरीदने का काम करें. उससे उस लोकल इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, वहां की चीजें आपके यहाँ पे आएंगी और चार लोग जो आपके घर आएंगे वो देखेंगे,
तो एक देश की विविधता और देश की अलग अलग चीजों के बारे में जानकारियां देश भर में फैलेंगी। तो मैं अनुरोध करूंगा आप भी इस कैंपेन को चलाएं कि हम जिस जिला में जब भी जाने का हमें कोई मौका मिले उस जिला की कुछ ना कुछ विशेष चीजें जरूर लेके वापस अपने घर आए। सर क्योंकि बात ट्रेड की थी, बिजनेस की थी, एक चीज और बहुत चर्चा में। हाँ, आखिरी सवाल सर आपको, लोगों ने कहा पोस्ट 2014 और डोकलाम के बाद जो ट्रेड था और बिजनेस था चाइना के साथ वो लगातार बढ़ा है। कई लोगों ने ये डिमांड भी करी है कि आप बिजनेस और ट्रेड चाइना के साथ क्यों नहीं खत्म कर देते। ऐसा है, ये एक प्रोसेस होता है, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह इसको नहीं किया जा सकता। आपको ध्यान होगा मैंने सदन में भी इस बात को रखा था, बड़े विस्तार से रखने की कोशिश की थी कि अगर आप इतिहास में जाएं तो लगभग सन 2000-2001 तक चाइना के साथ बहुत ज्यादा व्यापार था ही नहीं, लगभग $1 बिलियन का आयात था और लगभग $1 बिलियन का निर्यात था, और या $2 बिलियन का आयात था और ट्रेड डेफिसिट $700-800 मिलियन ही था। 2003-04 तक भी स्थिति लगभग ऐसी रही कि ट्रेड डेफिसिट भारत और चाइना के बीच $1-1.5 बिलियन का ही था, लगभग बैलेंस ट्रेड था और छोटा ट्रेड था। 2004 के बाद सरकार ने एक प्रकार से ऐसे फ्लडगेट खोल दिए चाइनीज मटेरियल के लिए कि 2004 और 14 के बीच में ये ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ते ही गया और $38 बिलियन 13-14 में, 14-15 में वो $48 बिलियन हो गया। यानी आप सोचिए कि 1.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट 10 साल के कार्यकाल में $48 बिलियन तक पहुंचना। 14-15 में तो हम नए नए सरकार में आए थे, जो विरासत मिला वही चला। हमने फिर भी लगातार इसको नियंत्रण में रखा, बहुत ज्यादा इस पर सख्ती से कार्रवाई की, कई चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई, क्वालिटी चेक्स किए, खराब क्वालिटी का माल आने से रोका, जिसके कारण जो लगभग 2500% ग्रोथ हुई थी 10 साल में, हमारे कार्यकाल में वो ग्रोथ शायद 90% या 100% ही है। तो वो जो पीरियड में हमने लाचारी और कमजोरी क्रिएट कर दी भारत में, और एक प्रकार से जो भारत के इंडस्ट्रियल बेस था, हमारा जो उत्पादन था, उसको किल कर दिया। आपको ध्यान होगा कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। एक उदाहरण लूं तो दवाइयों में जो API जाते हैं, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, 2004 के पहले भारत में ही बनता था, वी वर सेल्फ सफिशिएंट, हमें कोई चाइना या विदेश से नहीं लाना पड़ता। लेकिन 10 साल तक उन्होंने उसको डंप किया भारत में, सस्ते माल को कभी क्वालिटी भी अच्छी ना हो तो भी डंप किया, जिसके कारण भारत की इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन में खड़ी नहीं हो पाई और आस्ते आस्ते हम बंद हो गए और पूरी तरीके से विदेश के ऊपर निर्भर हो गए। आपको ध्यान होगा कि हमने कई सारी पॉलिसीज बनाई हैं मेक इन इंडिया को बल देने के लिए, विशेषकर जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें APIs को भी इंक्लूड किया गया है, सेमीकंडक्टर्स को भी किया गया है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को हमने आज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देके लगभग 1,97,000 करोड़ 1,97,000 करोड़ तो अलग अलग सेक्टर्स में और 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर्स में भारत सरकार, केंद्र सरकार इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी, प्रोत्साहन देगी, जिससे हम फिर एक बार भारत में इन सब चीजों का उत्पादन बना सके, बढ़ा सके और आत्मनिर्भर बने, जिससे हम ये विदेश के ऊपर डिपेंडेंस और विदेश से जो आज इतने बड़े पैमाने पे हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भर हो गए उसको बंद कर सके। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल जब मिले थे सेमीकंडक्टर PLI तब अनाउंस ही हो रहा था और अब फैक्ट्रियां अनाउंस हो रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है, इसके लिए आप हमारे साथ इंडियन न्यूज़ बंच में फिर से इस साल जुड़े। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत